Well, good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त आपका भाई आपका खादिम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ, उसकी स्तुति हो क्योंकि वो जिंदगी का सच चश्मा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए। आइए इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब खुदा के पाक कलाम पर ध्यान दें। खुदा का शुक्र हो कि वो हमारी हम दो सना पर तस्नशी होता है, हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। साम 33 आए सात को खुदावन में शादमान रहो। हम करना रास्तबाजों को जेबा है। सितार के साथ खुदावन का शुक्र करो, दास्तार की बरबत के साथ उसकी स्ताइश करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ। खुदावन का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावन की शफकत से मामूर है, आसमान खुदावन के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समुंदर का पानी तोदे की मान जमा करता है, वो गहरे समुंदरों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदावन से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाकई हुआ। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कादरे मुतलिक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो कहता है और हो जाता है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरी तखलीकी कुवतों के लिए कि तू खालिक है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने तमाम कायनात को तखलीक किया, और सबसे बढ़कर है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इंसान को अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाया। और ऐ प्यारे खुदावन, तू इंसान से प्यार करता है, इसलिए खुदावन तूने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा जिसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और दुनिया में आ गया। अरे प्यारे खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर सुकूनत करता है। हम तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अरे पाक खुदा, आज के सारे दिन को तेरे हाथों में देते हैं, आज के सारे इस बात के काम को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो हम सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में। जी जी, तो हम खुदा की तारीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे और मैं आपको लिए चलता हूँ हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, जहां से आप खूबसूरत जबूर खुदा की तारीफ में हम सुनेंगे इस क्वायर से। खुदा का शुक्र हो क्वायर के लिए, साजो आवाज के लिए। तो आइए खुदा की हम करते हैं। Yeah.
शुक्र हो कि खुदावंद हमें सैराब करता है। खुदा का शुक्र हो उसके पाखरू के लिए। अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की कुदरत और ताकत के बारे में हम जब गौर कर रहे हैं, कल हमने इस सिलसिले को शुरू किया एंड वी वर टॉकिंग अबाउट the power of the word of God. And today I'm going to share about the importance of the word of God and the Holy Spirit. This is very important to learn about the work of the Holy Spirit in our regeneration, in our new birth. As we're talking about the importance of the word of God, so now today we'll try to learn about these two persons, the person of the Holy Spirit and Logos, the Word of God, the work of our Savior, Lord Jesus Christ, as he's working through his precious word. For that sake, I would like to read Ezekiel Chapter 37, verse 1 to 14. Ezekiel chapter 37, verses 1 to 14. Khudam ka zinda mautbar lakhta la tabdil paak kalam suniye. Ezekiel uska 37 paak ki pehli 14 ayat. Khudam ke khubsurat paak kalam mein yun markum hai. खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद,
क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर से मुझे फरमाया कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जंजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ा है और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर है आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। अब उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं, देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए, इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा, और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस पाक खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरी कुदरत के लिए, तेरे अदराक के लिए, तेरे जिंदा कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा मिन्नत करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इल्तजा करते हैं कि अपने पाक रूह से मामूर कर, तेरे खुदावंद तेरा कलाम जिंदगी बख्श कलाम है, खुदावंद मुर्दा हड्डियों में जान डालता है। खुदावंद आज जो लोग भी अफसुरदा हैं, परेशान हाल हैं, दुखी हैं, ना उम्मीद हैं, तेरा कलाम उन्हें उम्मीद बख्शे, कुव्वत बख्शे, ताकत बख्शे, ईमान की मजबूती अता फरमाए। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि हम खुदा के पाक कलाम की कुदरत के बारे में सीख रहे हैं, और जब मैंने इस वृत्त को चुना, इज वन ऑफ माय फेवरेट टेक्स्ट इन द बाइबल, बिकॉज दिस टेक्स्ट गिव यू सो मच एनर्जी, सो मच पावर, दैट यू कैन गेन सो मच नॉलेज फ्रॉम दिस टेक्स्ट। ये खुदावंद का जिंदा कुव्वत बख्श पाक कलाम है। हिज़कियेल जो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का नबी था, जब बनी इसराइल असीरी में थे, बाबिल की असीरी में थे और ना उम्मीद थे, ऐसे वक्त में खुदावंद हिज़कियेल से कलाम करता है।
ये 597 बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट 597। बन इसराइल नाउमीदी की हालत में थे, बाबल में असीरी में थे, 700 साल बन इसराइल असीरी में रहे। और हिस्कील, जिसके नाम का मतलब ही खुदा तकवीयत बख्शेगा, God will give you strength. This is the meaning of Hezekiel. नाम का बहुत ज्यादा असर होता है, इसलिए खुदा ने बहुत दफा लोगों के नाम बदले। इब्राहिम का खुदा ने नाम बदलकर इब्राहिम रखा, सारी से उसका नाम बदलकर सारा रखा गया। हिजकियल के नाम में हम इस मैसेज को, इस पैगाम को देखते हैं जो खुदावन अपने लोगों को देता है कि खुदावन कुवत तकवीयत बख्शेगा। आप अपने आप से आज खुद जहां पर भी आप हैं, जस्ट से टू योरसेल्फ, गॉड विल रिन्यू मी, गॉड विल गिव मी स्ट्रेंथ। यू नीड टू से दीज वर्ड टू योरसेल्फ इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू नीड सम sort of the strength. आपको regeneration की, आपको दोबारा जिंदगी की कुवत की जरूरत है। खुदा से कहें कि God, you will give me strength. Hezekiel के जरिए खुदावन बनी इसराइल जो नाउमीद थे, परेशान हाल थे, खुदावन उनसे कलाम करता है। हिज़्किएल को खुदावन एक वादी दिखाता है, ये एक विजन है, एक रोया है, और इस रोया में खुदावन हिज़्किएल को ये बताना चाहता है कि तुम बिखरे नहीं रहोगे, तुम ना उम्मीद मत हो। और हिज़्किएल 37 बाब उसकी पहली आयत में हम इस बात को देखते हैं, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पूर्ण थी मुझे उतार दिया। You can see the situation. Hezekiel is in that valley of dry bones. They're all around the dry bones. It's very depressing situation, a very frightened situation, where all around there are dry bones, there is no life in these bones. And Hezekiel, he was standing there among all these bones. If you are in that kind of the situation where the people around you, they are hopeless, they are lifeless, they are like a dry bones, you can imagine how you feel about that. In dinon mein jab ke hum news dekhte hain, the people, those who are working in the health sector, they are going to their jobs and the people are dying in front of them, they are like a dry bones. You can imagine, you can visualize their mindset, you can feel the emotion of these people. You can understand the situation of the families, those who are collecting these dead bodies from the hospitals. It was the same situation like our contemporary situation. Hezekiel was standing among the dead bones, dry bones. और देखो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझसे फरमाया, आए आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, खुदावन खुदा तू ही जानता है। आई विल गो बैक टू दैट हिस्टोरिकल परस्पेक्ट ऑफ दिस टेक्स्ट, व्हाई दीज बोन्स वर देयर, ये हड्डियां क्यों सूखी थी। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है, अ
अभी हमने खुदा के पाक कलाम में सुना, इट वॉज अ काइंड ऑफ ग्रेट लिजर्ड, ये एक लश्कर था जो खड़ा हो गया। इट यूज टू बी वेरी पावरफुल बोन्स, ये कभी बहुत बड़ा लश्कर हो, ताकत थी, कुवत थी, और ये कैसे सूख गई, ये उस वादी में कैसे आ गई। What was the reason of these lifeless bones? The reason was they were away from God. There was a distance between these people and God. And without the word of God, without the spirit of God, these bones became dry. ये सूख गई। खुदा के कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। खुदा के कलाम को जब लोग नहीं सुनेंगे, जब उससे खुदा से दूर हो जाएंगे जो जिंदा कलाम है, तो वो ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उनमें जिंदगी नहीं रहेगी। खुदा ने कहा योहन्ना का अंजीली बयान उसका 15 बाब, अंगूर का की दस्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, और आगे चलकर खुदा कहता है कि जो डाली मुझ में प्रवेश रहती है वही बहुत सा फल लाती है, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यू आर ड्राई बोन्स इफ देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड गॉड। अगर आपके और खुदा के दरमियान एक खलीज है, डिस्टेंस है, यू आर लाइफलेस बोन्स, आपके अंदर जिंदगी नहीं हो सकती। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ होप, और वो उम्मीद, वो जिंदगी दोबारा खुदावंद के रूह की कुदरत से, खुदावंद के कलाम से ही आ सकती है। और इसलिए खुदावंद उससे पूछता है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। बड़ा एक मुश्किल सवाल, बड़ी अजीब कश्मकश हिजकिय्याह अपनी कमाईगी का इकरार करता है। हिजकिय्याह को मालूम है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, बट ही डोंट वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही डोंट वांट टू डिक्टेट गॉड। गॉड यू नो, खुदावन तू जानता है, वो अपनी कमाईगी का इकरार करता है, वो खुदावन के आगे नहीं चलना चाहता, कहता है कि अपनी इंसानी हालत का वो इकरार करता है, कहता है खुदावन खुदा तू ही जानता है, यू नो बेटर देन मी, व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, आई नो यू कैन डू दैट, खुदावन मुझे पता है तू कर सकता है, खुदावन खुदा तू ही जानता है। फिर से मुझे फरमाया तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, और इनसे कह आए सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन से कहता है इन बिखरी हुई हड्डियों से, स्टिल देयर इज अ वैल्यू ऑफ दीज बोन्स टू मी, अगर चाहिए सूख चुकी है, इनमें जिंदगी नहीं है, बट स्टिल दीज बोन्स आर वेरी प्रेशियस टू मी, I got lot of value for these bones, even they are dry bones. But these bones are also belong to me. मैंने इनको कलाम सुना रहा है. Proclaim the good news. कलाम सुनाइए. जब कलाम हम देखते हैं उसकी वैल्यू को, खुदा के इरादे को जानने की जरूरत है. What is the will of God? खुदा का कलाम में बताता है, यीशु ने भी ये फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी से ही ना जीता रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से, वो कलाम जो उसके मुंह से निकलता है। Proclaim the good news, खुदा का कलाम जब सुनाया जाता है वो कुवत बख्शता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, नया बनाता है। खुदावन कुछ भी
कर सकता है। और हिजकिएल उन सूखी हड्डियों के लिए खुदावन के कलाम को इस्तेमाल करता है, खुदावन के कलाम में कुव्वत और ताकत है। इसलिए खुदावन कहता है कि तू नबूवत कर, कलाम सुना। और लिखा है खुदावन खुदा ने उन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा, तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोल चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी, जानोगे कि मैं खुदावन हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख झंझलाया, हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। तो नबूवत कर, देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावन का कलाम जब सुनाया गया तो हर एक हड्डी अपनी हड्डी से मिल गई। इज़ अ क्रिएटिव पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावन के कलाम में पैदा करने की, बिखरी हुई चीजों को जोड़ने की कुदरत और ताकत है। हमने देखा और ये सुना, लाजर के बारे में मैंने सिखाया था कि जब खुदावन लाजर कब्र पर गए और उसे आवाज दी तो लाजर कब्र में से बाहर आ गया। हड्डियां जो बिखर चुकी थी, गोल जड़ियों से अलग हो गया था। By the power of the word of God of Jesus Christ, Lazarus, he rose from the dead. जिंदा हो गया। खुदावन का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? आगे चलकर हम देखते हैं, तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर आदमजाद, और हवा से कह खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि आए दम तू चारों तरफ से आ और इन तूलों पर फूंक कर जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और मैं दम आया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। अभी मैं लश्कर के बारे में आपको बता रहा था। खुदा के अरादे को, खुदावन की कुव्वत को हम देखते हैं कि खुदावन का क्या अरादा क्या था, ये हड्डियां जिंदा हो जाए। That was a plan of God. And God fulfilled his plan. You can see the power of the Holy Spirit. Ruach. खुदावन ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। यहां पर भी वो दम उनमें फूंका गया। खुदावन का पाकरू जिंदगी बख्शता है। In the work of the creation, you can see in the book of Genesis, the Spirit of God was hovering upon the water. खुदावन की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावन ने कहा और हो गया। यहां पर भी हम देखते हैं खुदावन ने कहा कि तू आवाज से नबूवत कर। और जब कलाम सुनाया गया, you can see the work of the Holy Spirit. The Spirit of God is not only working inside, but is working inside and outside. खुदावन बातन में भी काम करता है और जाहिरी तौर पर भी काम करता है। नई पैदाइश का काम बातनी भी है और जाहिरी भी है। खुदावन के पाक कलाम में उसके पास मंजर में जाना चाहता हूं, Ezekiel chapter 36, verse 26, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। पावर ऑफ द होली स्पिरिट। नई पैदाइश में, इन द न्यू जनरेशन, रीजनरेशन, नई पैदाइश, उसमें खुदा के पाक रूह को हम काम करते हुए देखते हैं कि तुम्हारे संगीन दिल को निकालूंगा और तुम्हें गोश्तीन दिल अता करूंगा। अजीजो, खुदा उनके पाक रूह की यह कुदरत और ताकत है। द स्पिरिट ऑफ गॉड And the word of God, they work together. ये दोनों मिलकर काम करते हैं।
If people, they are sharing the word of God without the power of the Holy Spirit, it's just a knowledge. Wisdom is very important. Knowledge is on the basis of your everyday experiences. But wisdom always comes from heaven. Hikmat khudaman ki taraf se hai. The people, those who are sharing the word of God through their own intellectual power, on the basis of their knowledge, it's not working anymore. Today, there is a great need that we need to empower people by the word of God through the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. इसलिए खुदाम कहता है कि सिर्फ ये नहीं है कि अब ये हड्डियां जिंदा हो गई हैं, इन पर गोश्त को चढ़ा है, बल्कि तू अब रूह से निबोध कर. Proclaim the good news by the power of the Holy Spirit. रूह से कह, कहे रूह, आए हवा, चारों तरफ से आ. और उसने जब ऐसा कहा, from the four corners of the world, वाह, जो आई, और लिखा है कि वो हड्डियां एक बड़ा लश्कर बन गई, उनमें दम आया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई. Once again, they became powerful. The Israelites, those who were very powerful, they were dead because they were away from God. They were not listening to the word of God. They were without the Holy Spirit. But when they empowered by the word of God, when they received the Spirit of God, they became the legend, the very powerful. खुदावन के पाक रूह से सब कुछ मुमकिन है. अजीजो, अगर आप परेशान हाल हैं, अगर आप के हालात ऐसे हैं कि आपकी जिंदगी बिखरी हुई है, दिस द वैल्यू ऑफ यूनिटी. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड नाउ, द चर्चेस आर डिवाइडेड नाउ, द फैमिलीज आर डिवाइडेड नाउ. एनिमी और डेविल और एनिमी सैटन नोज द पावर ऑफ द यूनिटी एंड एग्रीमेंट. इब्लीस को मालूम है कि अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे, अगर इनमें यूनिटी होगी, अगर इनमें स्ट्रेंथ होगी, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द कनेक्शन, आपस में जुड़ने से, आपस में इकट्ठे होने से इनके अंदर कुवत और ताकत आ जाएगी. खुदा का पाक कलाम भी हमें सिखाता है, तो अगर जमीन पर दो शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे तो वो आसमान पर हो जाएगी. डेविल नोज दैट. इब्लीस को भी यह मालूम है कि अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो सब कुछ मुमकिन है. दो तरह की यूनिटी है यहां पर, मैं एक तो इस यूनिटी की बात करूं और एक और यूनिटी है. देखिए, पैदाइश की किताब में लोगों ने कहा कि हम खुदा तक पहुंचेंगे. उन्होंने एक बुर्ज बनाया, बाबल का बुर्ज. दे वर ट्राइंग टू रीच गॉड बाय देयर ओन पावर, बाय देयर ओन माइट, by their own understanding. तो उन्होंने वो बुर्ज बनाना शुरू किया मिट्टी और गारे से, और खुदावन ने उनकी जुबानों में नफाक डाल दिया. They failed to understand each other because there was a disunity. और वो उस बुर्ज को ना बना पाए because that unity was with the destructive motives. तखरीबी सोच. दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनाइट होना चाहते हैं, बट देयर मोटिव्स आर रॉन्ग. गलत सोच के साथ उनके अंदर यूनिटी आती है. बट देयर इज अनदर यूनिटी. एट द डे ऑफ पेंटेकोस्ट, ऑल द पीपल ऑफ गॉड, दे वर गैदर्ड टुगेदर इन जेरुसलम एंड दे वर एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ईच अदर लैंग्वेज. हर एक दूसरे की बोली को समझना शुरू हो गया. अजीजो, आज भी हमें ऐसी यगानगत की, ऐसी यूनिटी की जरूरत है जहां पर हम एक दूसरे की बात को समझ सकें. खुदा के साथ हमारा कनेक्शन जो है और राबता जो है वो बहुत जरूरी है. हम चर्च क्यों जाते हैं? इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ
और रابطہ रखना चाहते हैं, एक दूसरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब्लीस इस इत्फाक को, इस यूनिटी को पसंद नहीं करता। इट्स अ डिमोनिक अटैक इन आवर कल्चर, इन आवर कंट्रीज, इन दिस वर्ल्ड। ये जो अभी जो कुछ भी हो रहा है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, दिस इज अ डिसयूनिटी अमंग द पीपल ऑफ गॉड, दे आर स्कैटर्ड। दिस ओनली पॉसिबल बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। God can unite us. अगर आप बिखरे हुए हैं, disconnected हैं, आज खुदा उनके पाकरू की जरूरत है, खुदा उनके कलाम की जरूरत है। We need to go back to the word of God. शैतान को शिकस्त देने की जरूरत है और वो इसी सूरत में है जब हम इकट्ठे होंगे। This is the hope. This is the hope. It will be such a relationship with God. You will be connected with God. अगर हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके कलाम पर ध्यान करेंगे, everything is possible. God is giving us hope. आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा. It's a picture of restoration and resurrection. It's the power of resurrection. It's a new covenant. I will raise you from the dead. मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, तुम्हारे मुर्दों को जिंदा करूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं. हड्डियां जो बिखर चुकी थी, खुदावंद के पाक कलाम से वो अटैच हो गई. खुदावन चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। खुदावन ये चाहता है कि हमारे अंदर इत्तफाक हो. शैतान इस बात से घबराता है, डरता है, वो नहीं चाहता कि हम यूनाइट हो. आज अगर हम पूरी दुनिया में इस बात को देखें, चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये खुदावन का बदन है, लेकिन आज ये बदन बिखरा हुआ है. मुझे दूसरे मुवालिक का तो इतना नॉलेज नहीं है, बट आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, इन यूके एंड इन पाकिस्तान. आई एम ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली टू अदर कंट्रीज. आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन अमेरिका एंड कनाडा एंड यूरोप. लेकिन उन मुवालिक के बारे में जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम, but I can feel this demonic spirit is working throughout the church, throughout the world. जहां भी कलीसिया है, ये demonic spirit जो है disunity की ये काम कर रही है. It's so bad, it's so dangerous. अगर हम बिखरे हुए हैं अजीजों, हमें खुदा उनके पाक कलाम को सुनने की जरूरत है. Don't worry about your condition and situation. Don't worry about your circumstances. जब हम इन हालात को देखते हैं, यकीनन हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिंदगी नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, सूखी हड्डियों की मानन है. लेकिन खुदावन हमें दोबारा बहाल करना चाहता है. There is a hope for the restoration. खुदावन में हमें इस बात की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, उसके जिंदा कलाम के लिए, उसके पाक रूह के लिए, जिसके वसीले से दोबारा हमारे अंदर जिंदगी आ सकती है. देयर इज अ होप. सो वी डोंट नीड टू बी अपसेट, वी डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, होपलेस. देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज अ पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड. खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारा खुदा हमारे अंदर यगानगत पैदा करना चाहता है. एंड दैट एग्रीमेंट, दैट यूनिटी इज पॉसिबल बाय द पावर ऑफ द प्रेयर, बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गुड न्यूज. इफ यू आर रेस्टलेस, इफ यू आर ड्राई, इफ यू आर होपलेस, कम टू हिम एंड ही विल गिव यू लाइफ.
He will regenerate you. He will connect you with other people. वो दूसरों के साथ आपको जोड़ेगा, वो आपको बहाल करेगा। खुदावंद कहता है, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद हमें दोबारा जिंदगी देना चाहता है। इफ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, इट्स द टाइम टू कम टू हिम, उसके साथ जुड़ जाए। खुदावंद आपकी मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा, उन पर गोश्त पोश्त पर आएगा, उनमें रूह फूंकेगा, आप दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। इफ यू हैव लॉस्ट योर बिजनेस, इफ यू हैव लॉस्ट योर रिलेशनशिप, इफ यू हैव लॉस्ट योर कनेक्शन विद द पीपल ऑफ गॉड, देयर इज द होप, गॉड विल रीजनरेट यू, वो दोबारा आपको बहाल करेगा। इफ यू आर स्टर्बन, इफ यू आर लिविंग इन अ गिल्टी कॉन्शियस, खुदा उन कहता है कि मैं तुम्हारे गोश्त दिल तुम्हें दूंगा, संगीन दिल को तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा, तुम्हें गोश्त नरम दिल तुम्हें दूंगा, एंड यू विल बी कनेक्टेड विद गॉड। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, उस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमें दोबारा इकट्ठा करता है। खुदा तेरे लोग बिखरे हुए हैं, उन हड्डियों की मानिंद जैसे बनी इसराइल की हड्डियां थी, बिखरी हुई थी, सूखी थी, लाइफलेस थी, उनमें जिंदगी नहीं थी। आज ये खुदा तेरे लोग भी इसी हालत में है, पर यीशु तेरा कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू, empowered us, regenerate us, give us a life. Those who are away from you, we ask your anointing upon them. We ask your strength upon them. We ask the power of the Holy Spirit for them. Give us strength, empower us. And in this time of prayer, loving God, we come before you. We pray for all the brothers and sisters, those who are despair, those who are hopeless, those who are disconnected from you. Give them strength. Give them hope. Loving God, you are our anchor. You are our strength. Tu hamari jaan ka langar hai. Hum tere paas aate hain. Isko tere khudaun hum tumam bimaron ko, dukhiyon ko, lacharon ko, तेरे हुजूर याद करते हैं। वो अजीज जो हमसे बिछड़ गए, खुदावन हम इस वक्त दुआ करते हैं अपने अजीज मिस्टर नवीद चांद के लिए, अरे प्यारे खुदावन उनकी अहलिया के लिए, चंदा के लिए, जिनकी वालदा को तूने अपने पास बुला लिया। खुदावन जो उस कोरोना वायरस की विक्टिम हुई, खुदावन तूने तसल्ली और तशफी अता फरमा। एक बार फिर खुदावन हम उन तमाम लोगों को तेरे हजूर याद करते हैं, अपने भाई डेविड जॉनसन को, असलम गौरी को, उनके अजीजों को तेरे हजूर याद करते हैं, और जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, क्रिटिकल हैं, खुदा उनको तेरे तख्त के सामने लाते हैं, तेरा कभी हाथ उन पर चाहते हैं। हम अपनी कलीसिया के एक एक शख्स को तेरे सामने पेश करते हैं। हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन आमिर खोकर के लिए, उसे कुवत और ताकत बख्श। प्यार खुदावन शिबा के लिए तो शुक्र करते हैं, सलामती से पाकिस्तान लेके गया है। प्यार यीशु हम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। प्यार यीशु जी मिसेज बरकत के लिए, अजी मर्था के लिए, मिसेज सिंह के लिए, खासतौर पर आज जबकि खुदावन हम मिस्टर हैरिस सिंह को तेरे हुजूर याद करते हैं, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, खुदावन दुआ करते हैं कि तू उनके घराने को, बंटी को, अरुण सिंह को, उनके खानदान को, खुदा उन दीगर तमाम बेटियों को, बच्चों को तेरे जोर याद करते और तेरी तसल्ली और तशफी चाहते हैं। फिर ये सूर्या हम अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, अजीज व कारब को तेरे जोर याद करते हैं। तमाम टीचर्स के लिए दुआ करता हूँ, खुदा उन उनके साथ हो। खुदा उन हम इल्तजा करते हैं मेरी शाजिया के लिए, जबकि वो सन्डे स्कूल को लीड करती हैं,
कि तमाम इस खिदमत के लिए तेरे शुक्र करते हैं, तमाम म्यूजिशियंस के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तमाम एल्डर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा हम दुआ करते हैं कि प्यारे खुदा हम तू सबको संभाल, अरे को खुदा हम तू अपनी पनाह में ले रहे, मिन्नत कर तो प्यारे खुदा भाई सुहेल के लिए, अहलिया के लिए, बच्चों के लिए, अरे प्यारे खुदा फ्रेमदास के लिए, खुदा हम तू उनके साथ हो। फिर यीशु जी हम आज की सुहानी सुबह के लिए तेरे शुक्र करते हैं, आज के तमाम दिन को तेरे हाथों में देते हैं। फिर यीशु मैं मिन्नत करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि खुदा बे औलाद हैं, खुदा तो उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा, खासतौर पर एडिसन फ्रास के लिए, अमरीन के लिए, सीमी के लिए, वसीम के लिए, खुदा हम सब बहन भाई जिसको कहते इकट्ठे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल दोज हु आर जॉइंड अस इन दिस प्रेयर। आई गिव ग्लोरी टू यू हेवनली फादर, आई प्रे फॉर माई फ्रेंड बंटी as he is in America and he is not feeling well. Almighty God, I ask your mighty hand upon my friend. I pray for my sister Gushi. Please bless her. Empower her. Hallelujah. Tera shukr. Heavenly Father, we know that you are touching the heart of my friend. Touch him. Bless them. Empower them. Equip them by the power of your Holy Spirit. We understand that you are same yesterday, today, and forever. We give praise for your power and for your anointing upon your people. Loving God, I pray for all the friends, those who are helping us in our ministry in Pakistan. Especially I pray for Adnan and all the friends, those who are helping us, those who are coordinating with us. Please bless them. I pray for all the pastors, those working in the different areas, they are serving your people. Heavenly Father, be with them and bless them. I ask your anointing upon our Prime Minister Boris Johnson and his cabinet members. Give them wisdom. Heavenly Father, we pray for Queen and her household. Bless them abundantly. Be with us. I ask your power and your anointing upon my family. Loving God, bless each one of us. In Jesus' name we ask this. Amen. Khudavand apna chehra aap par jalwa gar farmaye. Khudavand aapke badan, jaan aur rooh ki hifazat kare. Aapka bulane wala sachcha waise karega. Aur hamare khuda usmsi ka fazl, khuda baap ki mohabbat, paak rooh ki rifaqat aur shaqat ab se lekar hamesha tak aap sab ke saath aur duniya bhar ke muqaddaseen ke saath hoti rahe. Amen. थैंक यू जी। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जी तो ये चाहता कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वक्त बसर हो और ज्यादा हम दुआ में आपके साथ वक्त गुजार सकें। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करें। मेरा जो नंबर है वो है 00447189982824। तो 24/7 ये नंबर भी अवेलेबल है। आप किसी वक्त भी इस नंबर पर प्रेयर के लिए आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज अवर प्रेयर लाइन एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे जब चाहें आप मुझे फोन कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। हमारे जो प्रेयर पार्टनर्स हैं दे आर प्रेइंग टूगेदर एंड वी डेफिनेटली विल प्रे फॉर यू। आई नो दैट समटाइम देयर हेजिटेशन कि अच्छा ये कहें या ना कहें, लेकिन आप कभी भी ऐसा महसूस ना किया करें। मैं आपके लिए हर वक्त दुआ के लिए मौजूद हूँ और आप जब चाहें मुझे रिक्वेस्ट अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भेज सकते हैं। इफ देयर इज अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट, सम पीपल दे डोंट वांट टू गिव देयर नेम्स और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपनी जगह नहीं बताना चाहते, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। दिस इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम बिकॉज माई स्टमक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कीपिंग ऑल द सीक्रेट्स इन माई हार्ट। सो डोंट वरी अगर आप अपनी समस्या के बारे में, अपनी मुश्किल के बारे में, इफ यू डोंट शेयर विद अदर पीपल बट स्टिल यू वांट दैट विल प्रे फॉर यू, सो देयर शुडंट बी एनी हेजिटेशन। सो यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आई कैन गिव यू अश्योरेंस दैट योर सीक्रेट विल बी इन माय हार्ट। सो डेफिनेटली आई विल प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली वट एवर इज योर प्रॉब्लम। सो यू कैन गिव मी कॉल एनी टाइम ऑन माई दिस नंबर 00447189982824। And you can give me an email as well. You can send me that email nsamuel21@yahoo.com. So, aap zarur hamari ministry ke liye, hamare kaam ke liye aap zarur dua karein.
बाइबल टीवी को आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों अजीजों को भी बताएं वो भी इसको देखें। यूट्यूब पर आप जाते हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। एंड वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू माय लविंग सिस्टर, शी इज इन कनाडा, फॉर योर एनकरेजमेंट। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे बचपन के जो दोस्त हैं बंजी जो कि इस वक्त डेलिस में है, मैं उनके लिए दुआगो हूँ। और हमने 18 साल हम कच्चे रहे, बड़ा अच्छा वक्त हमने गुजारा गवर्नमेंट कॉलेज में रावलपिंडी में, और दैट इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तो मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ और आप सबके लिए भी। तो जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप का नंबर है। इफ यू आर इन पाकिस्तान और इन यूरोप और दुबई और जहां पर भी आप हैं, तो आप कनाडा अमेरिका में हैं तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम भी कैसे लगते हैं हमारे, और खासतौर पर ये जो ब्रेकफास्ट शो खुदावन ने मुझे ये प्रोग्राम दिया और मैंने आपके साथ इसको शुरू किया। आज भी जब मैं सुबह निकला तो खासी सर्दी थी और बर्फ जो पड़ी है उसकी अभी जो सर्दी है उसके असरात, बर्फ के असरात जो है बाद में होते हैं, तो आज भी खासी सर्दी थी। तो हम चाहते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने खानदान का भी ख्याल रखें। एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो कोरोना वायरस है ना, इसको बड़ा सीरियसली लें, ये कोई जोक नहीं है। बहुत सारे लोग गलत चीजें गलत बातें फैलाते हैं जिन्हें जी ये बस ऐसी बात है, ऐसी कोई बात मत अपने जहन में रखें। ये एक वबा है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज आप ऐसी बातें मत फैलाएं। एवरी डे पीपल आर डाइंग इन देयर होम्स इन द हॉस्पिटल्स। कल हमारी एक अजीज है उनकी डेथ होगी, मेरे मामू है उनकी मदर इन लॉ, उनकी डेथ हुई है ईस्ट लंडन में। हम उनके लिए दुआगो हैं, मिस्टर नवीद को चांद मामू कहते हैं, तो उनकी डेथ हुई है। तो आप उनके घराने को भी अपनी दुआ में याद रखें, सनी की वो वालदा थी। तो इस तरह देखिए आप, भाई डेविड जो है बहुत प्यार शख्सियत, डेविड जॉनसन वो खुदा मिस हो गए, भाई असलम गौरी थे वो चले गए, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं नहीं जानते, तो हॉस्पिटल में है, घरों में है, आइसोलेशन में है। तो प्लीज आप इस बात को सीरियसली लें, अपना ख्याल रखें, अपने खानदान का ख्याल रखें। बहुत जल्द ये मुसीबत हो जाएगी, लेकिन तब तक आप एक दूसरे का ख्याल करें। कुछ जरूरी नहीं है कि आप जिसके घर में जाएं और विजिट करें और पार्टीज करें, प्लीज स्टॉप दिस और थोड़ी देर के लिए सब्र कर लें। आपके पास देखें सहूलत है, फोन आपके पास है, व्हाट्सएप है, आप अपने अजीजों को फोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अभी आमिर जो है वो पाकिस्तान गए, उनका जो स्टमक है वो अपसेट हो गया, ही बीन इन हॉस्पिटल फॉर कपल ऑफ डेज, और ये कोई जोक नहीं है, प्लीज टेक इट सीरियसली। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल एंड नाउ ही इज फीलिंग बेटर। लेकिन एक दूसरे के लिए दुआ भी करें अपने घर में, और ये एक माध्यम है हमारे पास, चैनल है, इसको आप यूज करें। और बहुत जल्द हम और भी नए प्रोग्राम आपके लिए करा रहे हैं, तो आप उनको एंजॉय करें, ब्लेसिंग हासिल करें। लेकिन खुदारा ये एक दूसरे की फिक्र करें और एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखें थोड़ी देर के लिए, एक दूसरे को ज्यादा बेहतर है। खुदावन आपको अपनी पनाह में रखे, खुदावन आपको बरकत दे, आपकी फासने के बानी फरमाए और हर कदम पर आपके साथ खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।